उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए प्रभु, मुझे सामर्थ्य से भरपूर कर, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर कि मैं तेरे वचनों पे चल सकूं, और जब ये संकटें, जब ये कलेश, जब ये जोखिम मेरे जीवन में आए प्रभु, तो मुझको उन परिस्थितियों में विश्वास में बने रहने में मेरी सहायता प्रदान कर। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सहायता करने के लिए तत्पर ही रहता है। डर है किसी बात को लेकर प्रभु के सामने रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दिया है हमें। आपके अंदर जांचिए, जांचिए क्या आप निश्चित है पूर्ण रूप से कि अगर ये घटनाएं मेरे जीवन में घट जाए तो मैं प्रभु यीशु मसीह के पास रहूँगा, उसके हाथ को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके संग संग बना रहूँगा। आप निश्चित कीजिए, निश्चित की। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और आज का वचन मेरे प्रियो बहुत ही विशेष है आपके जीवन में। हमको कौन मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? बहुत से लोगों के जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्याएं आता है, तो मसीह से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और बहुत से लोग जब सताव को पार करके, कठिनाइयों को पार करके मसीह में आते हैं, और जब मसीह ईश्वर को आशीष देता है और वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, सब आशीषें प्राप्त कर लेते हैं, तो भी मसीह यीशु से दूर हो जाते हैं। वो अपने भोग विलास में, वो अपने खुशी में, वो सांसारिक खुशी में फंस जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम रोमियो 8वें अध्याय के 35 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ पास लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या कंगाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हमको मसीह के प्रेम से इनमें से कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन बहुत से मसीह भाई बहन जब मसीह यीशु में आते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में सताव आता है, उपद्रव आता है, भिन्न प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तो मसीह यीशु से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहता है, हमको कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश? अगर आपको मसीह यीशु में आने के बाद अगर आपके जीवन में कलेश आता है, मसीह यीशु में आने के बाद आपके ऊपर सताव आता है, मसीह यीशु को जानने के बाद आपके घर के लोग आपको ताड़ना कर रहे हों, तो क्या वो सताव आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? नहीं मेरे पियो, वो सताव, वो उपद्रव हमें मसीह के प्रेम से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। और आगे कहता है, क्या संकट? जब आपके जीवन में संकट आए, भिन्न प्रकार के समस्याएं आपके जीवन में आए, तो क्या वो संकट आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? अपने आप को जांचिए कि अगर मेरे जीवन में संकट आए तो क्या मैं मसीह से अलग हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगी? अगर आपके अंदर कुछ भी शक आ रहा है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सामर्थ्य प्रदान करना हर एक कलेशों में, हर एक संकटों में, हर एक परिस्थितियों में मैं तुझको पकड़ा रहूं, मैं तेरे वचन पे हमेशा चलते रहूं, मुझे मेरे अपनी सामर्थ्य से मुझे भरपूर कर कि इन परिस्थितियों में भी मैं तेरे हाथ को पकड़े रहूं और विश्वास में कायम होकर मैं खड़ा रहूं। हालेलुया। और आगे कहता है, या उपद्रव या कंगाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा कि लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। यीशु मसीह हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया, कलवरी क्रूस पर हमारे दुखों को, हमारे बीमारियों को वो सह लिया। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करके अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, वह अंत जीवन का सहभागी बन जाता है। उसके कोड़े खाते ही हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें चंगाई देता है। आगे लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसमें हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। जो ये बातें हैं, कलेश, संकट, उपद्रव, कंगाल, जोखिम या तलवार, इन सब से अधिक हमें वो प्रेम किया, वो जयवंत से भी अधिक है। यहाँ कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे
प्रेम किया जय वंश से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि अपना अंतिम रक्त बहा दिया। परमेश्वर हमारी चिंता करता है कि ये मनुष्य जन नरक की आग में ना डाला जाए, इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला और वो रास्ता अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो व्यक्ति इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अंत जीवन का सहभागी बन जाए। यीशु मसीह और पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने पिता को आज्ञा को पालन करने के लिए और भविष्यताओं की भविष्यवाणियों को पूरी करने के लिए वो कलवरी क्रूस पर वो सह लिया। वो सब कुछ जानता था कि मुझे इस दिन इस टाइम में मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। फिर भी वो अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। हालेलुया। अंतिम क्षणों तक प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। और यहाँ कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जितने हमसे प्रेम किया जय वंश से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चित जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। यहाँ पास क्या कहा गया है मेरे पियो, हमें कोई बातें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यहाँ पास क्या कहता है, परंतु इन सब बातों में हमें उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंश से बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चित जानता हूँ। कौन जानता है? ये लेख लिखने वाला व्यक्ति जान रहा है, मैं निश्चित जानता हूं कि मुझे ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई ना कोई सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। तो क्या आप निश्चित है कि ये संकट, जब ये बातें आपके जीवन में घटे, तो आप मसीह यीशु को पकड़े रहेंगे उस परिस्थितियों में? अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचिए कि अगर आपके जीवन में कलेश संकट उपद्रव कंगाली जोखिम या तलवार ऐसे बातें घटनाएं घट जाती है जो अचानक से आने वाली घटनाएं होती है, तो क्या आप भी उस समय प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, उसके प्रेम में कायम रहेंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं छोड़ता है, वो हमारे संग संग रहता है, वो हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया और उससे भी अधिक वो हमसे इतना प्यार करता है, तीसरे दिन जिंदा होकर आज हमारे संग संग रहता है, वो हमारे पास रहता है, हमारे संग रहता है। तो क्या ये घटनाएं अगर हमारे जीवन में घटेगी तो हम मसीह यीशु को पकड़े रहेंगे? हमारा विश्वास जितना आज है उतना उस समय भी रहेगा? नहीं मेरे पियो, आज जितना विश्वास है जब ये घटनाएं आपके जीवन में घटे हमारा विश्वास और भी दुगनी हो जानी चाहिए, दुगनी तिगनी चौगनी हमारे विश्वास बढ़ जाना चाहिए कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है, वो हमें इन परिस्थितियों से निकालेगा, इन संकटों से हमें निकालेगा। हमारा विश्वास मसीह यीशु में, उन परिस्थितियों में, उन संकटों में, उन मुसीबतों में हमारा विश्वास, हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी गहरा हो जाना चाहिए, ना कि हमारा रिश्ता उससे टूटना चाहिए। हमारा विश्वास उस समय और मजबूत कर लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इन संकटों से निकालने के लिए तात्पर्य है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं निश्चित जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया। तो हम क्या करने वाले हो जाए? हम विश्वास करने वाले हो जाए, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रभु मुझे सामर्थ्य से भरपूर कर, पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर कि मैं तेरे वचनों पे चल सकूं, और जब ये संकटें जब ये कलेश जब ये जोखिम मेरे जीवन में आए प्रभु, तो मुझको उन परिस्थितियों में विश्वास में बने रहने में मेरी सहायता प्रदान कर। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु प्रार्थना कीजिए, वो आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। डर है किसी बात को लेकर प्रभु के सामने रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दिया है हमें।
आपके अंदर जांचिए जांचिए, क्या आप निश्चित है पूर्ण रूप से कि अगर ये घटनाएं मेरे जीवन में घट जाए तो मैं प्रभु यीशु मसीह के पास रहूंगा, उसके हाथ को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके संग संग बना रहूंगा। आप निश्चित कीजिए, निश्चित कीजिए आज ही आज ही आज ही। अगर आपके मन में 2% भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इन संकटों में, इन उपद्रवों में, जोखिमों में मैं मसीह से अलग हो जाऊंगा, मेरा हाथ छूट जाएगा, उससे मैं छोड़ दूंगा, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उसको अपने मन से, अपने हृदय से निकाल दीजिए उन बातों को। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जब मेरे जीवन में संकट आए, जब मेरे जीवन उपद्रव आए, जब जोखिम आए, जब संकट मेरे चारों तरफ घेर के बैठ रहे, उन परिस्थितियों भी मैं तुझको उतना ही प्रेम करने वाला हो जाऊं, उतना ही विश्वास करने वाले हो जाऊं, बल्कि उससे भी अधिक उन परिस्थितियों में मैं तेरे करीब आने वाला हो जाऊं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो सहायक हमें भेजेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता प्रदान करेगा, एक सामर्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि आप सांसारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक व्यक्ति है, वो हमें सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर ही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो वचन सुने हैं पिता इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी वचन पर चलने में इनकी सहायता प्रदान कर, हाँ पिता ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, चाहे कितने भी संकट आए, क्लेश आए, उपद्रव आए पिता, इन हर एक परिस्थितियों में इन सब के विश्वास से बहने में इनकी सहायता प्रदान कर पवित्र आत्मा के द्वारा, हर व्यक्तियों को सामर्थ्य से भरपूर कर दे खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। जो भी समस्याएं, जो भी संकट इनके जीवन में हो, तेरे नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, इन वचनों का इनसे बातचीत कर पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावन, ताकि वचनों पर चल सके और आशीष को प्राप्त कर सके, अंतिम दिनों तक खड़े रह सके पिता, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दिया ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन, हालेलुया। तो हम क्या करने वाले हो जाए, हम विश्वास करने वाले जहाँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए, वो हर एक संकटों से निकालने के लिए हमें तात्पर्य है। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि और लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।